हम लोग जन्म जात लोहार हैं। हाँ, हम लोग का पूर्वा लोहार है। नहीं लोहार है, बड़ियारी कहा जा रहा है। लोग हम लोग हथौड़ा से काम करते रहे, कमार लोग बना रहा है। हम लोग लोहारा का ही कह रहा है, कोई कमार कह रहा है कि हम लोग का एसटी का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार बीच में देकर झटका दिया कि तुम लोग नहीं है। हाँ, जान देने आए हैं, जान देंगे हम लोग, जान देंगे। इनको यहाँ पर ना अनुमति है ना इनको करना है। ये लोग किसी तरह का और भी स्टेप आगे उठाएंगे, कानून स्वतः सक्रिय हो जाएगा। ए अधिकारी, कब तक रोकेंगे? हमारे घर के पास भी रेल ट्रैक है, रेल ट्रैक उजाड़ने का काम करेंगे। इस तरह कोई भी कदम उठाएंगे, बिल्कुल हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। तक इन लोगों को मतलब वापस भेजिएगा अभी? बिल्कुल भेज देंगे अभी। हम भेजने से पब्लिक नहीं मानेगा बात। जेल तक जाने के लिए लोहार तैयार है, तैयार है, जेल तक जाने के लिए तैयार है। आप मतलब लाठी उठी भी चलवाइए, जिस तरह की भी आवश्यकता होगी कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो सब करेंगे। कोई सुनवाई नहीं लेगा, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सुनते जा रहा है। लोहार बनेगा, लोहार बनेगा, लेकिन नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए अभी सचिवालय होल्ड के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गर्दनी बाग धरना स्थल के जस्ट बगल में यह जगह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो लोहार जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुबह से ही। ये लोग यहाँ पर ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे में ही प्रशासन यहाँ पर पहुँच गई, काफ़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासन आई, फिर इन लोगों के को समझाया गया और फिर साइड किया गया। मैं आपको बता दूँ कि जातीय जनगणना जो कि अब फिर से वह शुरू होगी, और ऐसे में ये लोग अपने हक के लिए यहाँ पड़ा है। इनका कहना है कि भाई राज्य सरकार के तरफ से तो हमें जो दिया अधिकार जो दिया जा रहा था वो तो दिया ही जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से वह रोका जा रहा है। और ऐसे में हम यहाँ पर अपने जान देने आए हैं, ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हक जो है, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोहार और लोहड़ा में जो कन्फ्यूजन हुआ था, और ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ट्रेन को रोकने के लिए सचिवालय हॉल जो गर्दनी बाग के पास है वहाँ पर ट्रेन को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस काफी मशक्कत करने के बाद इन लोगों को साइड की पटरी साइड की, और उसके बाद फिर ट्रेन को धीरे धीरे जाने दिया जा रहा है। काफी देर से ये लोग ट्रेन को रोके हुए थे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। भाई इतना इतना बड़ा हथौड़ा लेके आए हम लोग? हम लोग जन्मजात लोहार हैं। हाँ, हम लोग का पूर्वा लोहार है। नहीं लोहार है, बड़ियारी कहा जा रहा है। उस संख्या के आधार पर हम लोग इसलिए, हम लोग जन्मजात लोहार हैं। पूर्वा लोग हम लोग हथौड़ा से काम करते रहे, कमार लोग बना रहा है। हम लोग लोहारा का ही कह रहा है, कोई कमार कह रहा है कि हम लोग जन्मजात लोहार हैं। पहचान मांग रहे हैं, पहचान है तो पहचान हम लोग का ही हथौड़ा है। आपके पिताजी क्या चीज से कृषि करते थे ये बताइए पहले? आपके पिताजी क्या चीज से कृषि करते थे, क्या चीज से बताइए? कुदाल से, हसुआ से, फरुआ से, क्या चीज से? वो कौन बजाता था? कौन बजाता था? किसके यहाँ जाते थे? लोहार है, जन्मजात लोहार है। किसके यहाँ जाते थे? क्या है कृषि यंत्र? हमारा दर्जा मिला हुआ था, हम लोग का एसटी का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार बीच में देकर झटका दिया कि तुम लोग नहीं है, हम लोग का दर्जा चाहिए। केंद्र सरकार, नीतीश कुमार और केंद्र सरकार है दोनों इसमें। हाँ, केंद्र से लेकर बिहार तक मांग है, नहीं देगा तो हम लोग जान देने आए हैं, दे देंगे। हाँ, जान देने आए हैं, जान दे देंगे, जान देंगे। ट्रेन क्यों इस तरह से रोक? हम लोग जान देने आए हैं। हाँ, हम लोग जान दे देंगे, हम लोग जान दे देंगे। हम लोग रोकने के प्रयास किया जा रहा है कि ताकि अधिकारी कब तक रोकेंगे? हमारे घर के पास भी रेल ट्रैक है, रेल ट्रैक उजाड़ने का काम करेंगे। नहीं तो ये सूचित करे विभाग को, अपना सूचित करे कि इतना लोग लोहार के जनसंख्या आया है, ये कब तक अति करेंगे? सूचित करे आगे इस विभाग को। रेल ट्रक रोकने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? धमकी देने से पब्लिक नहीं मानेगा बात। जेल तक जाने के लिए लोहार तैयार है, तैयार है, जेल तक जाने के लिए तैयार है। अब कोई सुनवाई नहीं लेगा, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सुनते जा रहा है। लोहार बनेगा, लोहार बनेगा, लेकिन नहीं।
चलिए सिटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हम थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं, आखिर क्या कुछ बातें इनकी हुई है, किस तरह से ये रोक रहे हैं उन्हें। सर आखिर बताइए कब से ये लोग कर रहे हैं और क्या कुछ अपने। देखिए ये जो लोग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनका विधि विरुद्ध है, अवैध है, गैर कानूनी है, इनको यहाँ पर ना अनुमति है ना इनको करना है। ये लोग किसी तरह का और भी स्टेप आगे उठाएंगे, कानून स्वतः सक्रिय हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग किसी तरह का कोई छूट इनको नहीं देंगे कि ये उदंडता करें, हुड़दंग करें, हिंसा करें, इसकी कोई इजाज़त नहीं। कोई ट्रेन रोके भी है? नहीं रोके हैं, रोकने नहीं दिया हमने, अभी रोके भी नहीं है। और हमारी पुलिस फोर्स, मैजिस्ट्रेट, सभी लोग हम चौकस हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं, ये कुछ भी इलीगल काम करेंगे तौरी तीन पर कार्रवाई करेंगे। सर काफी दिनों से ये धरना स्थल पे धरना दे रहे थे, तो क्या वहाँ से इन लोगों की मांगे जो है वो नहीं वहाँ पर भेजी गई कि फिर वो इन्हें यहाँ आना पड़ा? वो जो विषय आप पूछती हैं, सवाल जवाब, वो हमारे क्षेत्र हमारे इसका नहीं है। हाँ। वो तो सरकार समझे और बाकी जहाँ इन कुछ गए हैं कोर्ट वगैरह गए हैं उन लोगों में मामला लंबित है या सरकार के इसमें है। हमारा काम इतना है कि यहाँ पर विधि व्यवस्था अवरुद्ध नहीं हो, ट्रेन को रोके नहीं, ट्रेन बाधित नहीं हो, पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हो, रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हो। इस तरह कोई भी कदम उठाएंगे बिल्कुल हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। तब तक इन लोगों को मतलब वापस भेजिएगा आपकी अभी? बिल्कुल भेज देंगे, अभी 10 मिनट हम देख रहे हैं, नहीं होगा तो हम लीगल स्टेप लेंगे, इनको यहाँ से हटा देंगे। मतलब लाठी उठी भी चलवाइए, जिस तरह की भी आवश्यकता होगी कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो सब करेंगे। बहुत लाठी चलवाने में माहिर है। तो चलिए आपने सुना ही कि भाई लीगल जो भी कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे, अगर ज़्यादा देर तक ये रुके और फिर अगर कोई बाधित कोई भी कामों में अगर बाधा आया तो फिर जो लीगल होगा वो तो करेंगे ही। और मैं आपको फिर से वो सीन दिखाना चाहूँगी, देखिए कैसे ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन जो है काफ़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है और रोकने नहीं दिया जा रहा है। लगातार जिंदाबाद के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर कोसा जा रहा है केंद्र सरकार को और कहा जा रहा है कि भाई हम लोहार हैं और हमारा हक जो है यह छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सरकार के तरफ हम सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सचिवालय होल्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी, लगातार मैं यहां पर बनी हुई हूं, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।